कोरोना महामारी के चलते दो साल बाद शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में इस बार कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया है। दो साल बाद शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में इस बार करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। हमारी फोर्स अगर हम हरिद्वार ऋषिकेश दोनों क्षेत्र को मिलाकर देखें नीलकंठ, तो लगभग 10,000 की फोर्स लगी है। हमारी तैयारी पूरी है। हमने इस साल पहली बार एक व्यवस्था बनाई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। एक तो हम पहले से कहते थे भी अपने अपने थानों में जो है वहाँ पे रिकॉर्ड करवा के आए, चढ़ा करके आए अपना नाम, जिससे कि थोड़ा सुविधा रहती है। तो अभी हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो इससे जैसे चार धाम में हमने देखा उसकी बहुत सुविधा भी है। हमें पता है हर जगह के आज कितने यात्री रजिस्टर्ड हैं, कितने नहीं हैं। प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, उनसे भी लगातार उनके साथ मिल करके भी इनकी बैठकें चल रही हैं, जिससे कि जो बाकी व्यवस्थाएँ होते हैं, बिजली, पानी, सड़क, टॉयलेट, सफाई आदि, उसका भी ख्याल रखा गया है। और मेरे विचार से ये मिला और बहुत बेटर होगा और सुव्यवस्थित होगा। सुरक्षा को देखते हुए कांवड़ मेले में पुलिस का भारी बंदोबस्त तो किया ही गया है, साथ ही ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कांवड़ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। क्राइम पेट्रोल के लिए अफजाल अहमद की रिपोर्ट।